लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। आज मंडली कमांडेंट श्री सुधाकर आचार्य पांडे जी IPS होमगार्ड विभाग के डिपार्टमेंट की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम 17 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक भदोही के सभी अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें विभाग के विंध्याचल मंडल की मंडली कमांडेंट होमगार्ड विभाग श्री सुधाकर आचार्य पांडे जी के द्वारा यह बताया गया कि आम जनमानस एवं सभी जनप्रतिनिधियों एवं उच्च अधिकारियों के साथ इसमें सहभागिता की जाएगी। माननीय होमगार्ड मंत्री जी धर्मवीर प्रजापति की प्रेरणा एवं कमांडेंट जनरल होमगार्ड श्री विजय कुमार मौर्य जी की आदेशानुसार यह कार्य होना है। आम जनमानस से आग्रह है कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जनपद भदोही के सरपताह और लखनऊ में पौधारोपण एवं पर्यावरण पौध संरक्षण किया गया। इस अवसर पर समस्त होमगार्ड एवं इंस्पेक्टर मौजूद रहे। मंडली कमांडेंट ने अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण किया, पहले से लगे पौधों को सिंचित किया। मंडली कमांडेंट श्री सुधाकर आचार्य पांडे जी और जिला कमांडेंट भदोही सुनील कुमार के द्वारा आम जनमानस से अपील किया कि सभी आम जनमानस एक पौधा गोद लें और उस पौधे को संरक्षित करें। इस मौके पर मंडली कमांडेंट एवं सभी होमगार्ड और वहां मौजूद सभी आम जनमानस को मंडली कमांडेंट में शपथ दिलाया गया और पौधे को संरक्षित करेंगे और उनका भरण पोषण करने का पूर्ण सहयोग करेंगे। इसके लिए होमगार्ड विभाग आपका सदैव आभारी रहेगा। इस मौके पर जिला कमांडेंट भदोही श्री सुनील कुमार एवं जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के कंपनी कमांडर मौजूद रहे। मिर्जापुर मंडल के भदोही से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह R9 भारत से इस समय मौजूद हूं। मैं जनपद भदोही के लखना लखन गांव में और यहां पर तालाब एक अमृत सरोवर के अंतर्गत एक तालाब को चयनित किया गया था, उसी तालाब पर मैं मौजूद हूं और यहां पर मंडली कमांडेंट श्री सुधाकर आचार्य पांडे जी भी मौजूद हैं और भदोही जनपद के कमांडेंट सुनील कुमार जी भी मौजूद हैं। आज यहां पर जो यहां पे होमगार्ड विभाग के जो मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश शासन के श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय मंत्री होमगार्ड विभाग एवं कारागार और VK मौर्य जी जो आपके DG हैं, उनकी प्रेरणा से और उनके निर्देशानुसार आज यहां पर डिप्टी कमांडेंट होमगार्ड विभाग और कमांडेंट मंडली कमांडेंट सब पहुंचे हुए हैं। स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है और एक कार्यक्रम है जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 17 सितंबर 2022 से शुरू होकर के 2 अक्टूबर 2022 तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसके अंतर्गत यहां पर जो भी अमृत सरोवर पर यहां पे वृक्षारोपण का और उसका संरक्षण का, पौधों को लगाने के बाद उसको संरक्षित करने का एक कार्यक्रम जो एक संदेश देने की एक कवायद शुरू की गई है होमगार्ड विभाग की तरफ से और उसी के तत्वाधान में आज यहां पर हम सभी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं मंडली कमांडेंट श्री सुधाकर आचार्य से कि जो एक मुहिम चल पड़ी है कि पौधों को लगाने का, पौधों को संरक्षित करने का, उसके विषय में उनका क्या कहना है। जनपद भदोही के ग्राम में आज कार्यक्रम किया जा रहा है अमृत सरोवर पर, क्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये सरपताह में जो जिला कमांडेंट सुनील कुमार द्वारा ये निरीक्षण मैं कर रहा हूँ, ये वृक्षारोपण कार्यक्रम 17 से 2 अक्टूबर तक चलने का है और माननीय मंत्री जी होमगार्ड एवं कारागार महोदय की प्रेरणा से और DG साहब के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं। इसमें अमृत सरोवर जो हमारे चिन्हित तालाब हैं वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग करेंगे और आज तो मैं निरीक्षण पे आया हूँ, तालाब देख रहा हूँ, बाकी ग्राम की महिलाओं से मैंने बात की और सबसे मज़ेदार बात, अच्छी बात जो मुझे भी प्रेरणा देती है वो यही रही कि हमारी दादी, क्या नाम है दादी जी? दादी जी भी जान रही हैं कि पेड़ लगाने से हमें क्या फायदा मिलेगा और इन्होंने सिखाया कि भैया पेड़ लगना चाहिए और इतने पेड़ लगने चाहिए कि हमारे बच्चे भविष्य में सुरक्षित रहे। तो जब हमारी आम जनता हम लोगों के साथ जुड़ के ये कार्य करेगी तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण और हमें ऑक्सीजन की दिक्कत भविष्य में नहीं होगी। सर, यहाँ महिलाओं को शपथ भी दिलाई गई है, उसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है? बस मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग वृक्ष लगाते हैं लेकिन उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं और हमारी महिलाएं अगर इस कार्यक्रम से जुड़ जाएंगी तो महिलाओं का उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा होता है, बच्चे जैसे पालती हैं वैसे अगर वृक्ष को एक भी वृक्ष उन्होंने पाल लिया तो बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत सारे वृक्ष हमें देखने को मिलेंगे और हमारा पर्यावरण ऑटोमेटिक आधी आबादी
कवर कर लेगा कि और उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण की और ऑक्सीजन की समस्या तो कम से कम नहीं रहेगी। और जनपद भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में ये दिक्कत, तो अगर इस तरह से महिलाएं हमारी जागृत हो गई, जुट गई, तो दिक्कत नहीं आनी है भविष्य में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सावित्री। बताइए कि आज आपके ग्राम सभा में कुछ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है, वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? हम एक कहना चाहेंगे कि हमारे सब लोग जितने मेहरारू हैं, सब बच्चा किनाए ओके पलनी, जवन वृक्ष साहब कहे हैं ओके पालें, जवन इतना रोग बियाद होता पेड़ पालो कटने के अधिकार से कमी हो गई बा, ऐसे रोग न होए, ऐसे आराम होए, सबके गोरुन के मनाइन के खेती बाड़ी सब चीज पे दे साहब और करे आगे हम बोल नहीं पाए। कंचन देवी, केशवपुर सरपता, हाँ, आंगनबाड़ी का करती जी। आज यहाँ पर ना मंडल कमांडेंट साहब आए थे और उन्होंने पौधा लगाने के लिए आप लोगों को प्रेरित किया, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं सर कि वृक्ष लगाया गया है, लगाया जाएगा, जैसे हम लोग बच्चे की नहीं पालते हैं बच्चे, वैसे वृक्ष भी पालते हैं, पालेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पे आप लोग को पौधा लगाती हैं? सर लगाए थे, सब उपार के पुआर दिए। उन्होंने आपको शपथ भी दिलाए, क्या उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा सर। क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, ये जैसे शपथ दिलाए हैं और हम लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है, सुन के नहीं कर पाएंगे, ठीक, कर लेंगे। शपथ का असर होगा? हाँ सर।